12 छक्के 7 चौके बाबर आजम ने सबसे तूफानी शतक लगाकर पूरे क्रिकेट जगत में मचाया कोहराम। जी हां दोस्तों, आखिरकार कैसा रहा इस मुकाबले का हाल, साथ ही बाबर आजम ने किस तरह लगाया तूफानी शतक, बताएंगे आपको सब कुछ आज के इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी बाबर आजम को एक विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस साल पाकिस्तान की मेजबानी में एशिया कप खेला जाना है और एशिया कप को लेकर पाकिस्तान की तैयारी जोरों शोरों पे चल रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की टीम इस बार खिताब जीतने के लिए जमकर तैयारियों में जुटी है, जिससे कि इस बार खिताब जीता जा सके। पिछली बार भारत की मेजबानी में खेले गए एशिया कप में पाकिस्तान का एशिया कप का खिताब जीतने का सपना अधूरा रह गया। हालांकि पाकिस्तान की टीम इस बार कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती है, जिसके लिए पाकिस्तान की टीम उन कड़वी यादों को भुलाकर एक बार फिर से मैदान पर हर मोर्चे पर अपनी कमजोर कड़ियों को दूर करने पर लगी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए एक प्रैक्टिस कैंप का आयोजन किया है, जहां पर पाकिस्तान के कई सारे खिलाड़ी इस कैंप में प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ियों भी मौजूद हैं। हालांकि पाकिस्तान के इन खिलाड़ियों के बीच एक प्रैक्टिस मुकाबला खेला गया। इस दौरान कप्तान बाबर आजम ने तूफानी शतक ठोक डाला। आप उनकी तूफानी बल्लेबाजी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने इस शतकीय पारी में 12 छक्के और 7 चौके लगा डाले। हालांकि बाबर आजम के अलावा अबरार अहमद ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की और उन्होंने अपनी मिस्ट्री गेंदबाजी से हैट्रिक विकेट निकाले और अपने फॉर्म में होने का सबूत पेश किया है। ऐसे में पाकिस्तान का एशिया कप का खिताब जीतने का इस बार सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम क्या इसी सिलसिले को एशिया कप में भी बरकरार रख पाएंगे या नहीं। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।